नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह आगामी 20 मई को हमारा आगामी अंक आ रहा है स्वैच्छिक दुनिया का। मैं इस हेतु हमेशा की तरह आपको नया शीर्षक दे रहा हूं जिस पर आप अपने लेख हमें भेजें। और मित्रों, लेख की बजाय अगर वो कहानी रूप में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने ये देखा कि कहानी से एक तो आपकी लेखन प्रतिभा सुधरती है और दूसरी जो हमारे पाठक गणों की रुचि होती है वो कहानी पढ़ने में अधिक होती है। हम शोध संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कहानी आए, जो लेख आए, वो शोध परक लेख हो, सार तत्व तो जिसका एक सारगर्भित लेख हो। और इस बार की जो लेख आमंत्रण, जो कहानी आमंत्रण का विषय है, वो हम आपको दे रहे हैं, फीस वृद्धि। आप फिर से नोट कर लीजिए, कहानी या आपके जो लेख हैं वो होना चाहिए फीस वृद्धि पर, क्योंकि कोरोना महामारी में जहां हर वर्ग प्रभावित है, वहां सबसे प्रभावित जो वर्ग है आज के दिन में वो है अभिभावक। स्कूल वाले फीस माफी नहीं कर रहे हैं, लगातार स्कूल से फीस की डिमांड आ रही है और ऑनलाइन पद्धति एक ऐसी पद्धति हो गई है जिससे स्कूल प्रबंधकों को ये मौका मिल गया है कि वो कह रहे हैं कि वो लगातार पढ़ा रहे हैं और जिससे उनको फीस मिलनी चाहिए। मैं दो चार बिंदु आपके समक्ष रखता हूं जिससे मुझे लगता है कि यदि फीस दी भी जाए तो उसी मद के अनुसार दिया जाए। आप जब भी किसी स्कूल का फीस का पर्चा उठा के देखेंगे, फीस की रसीद उठा के देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि बिल्डिंग फंड है, एडमिशन फीस है, बिजली बत्ती, ग्राउंड फीस, लाइब्रेरी फीस और तमाम तरह के फीस के मद दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत हमको फीस देनी पड़ती है। उसमें एक मद होता है ट्यूशन फीस। मित्रों, जो पढ़ाई के लिए है वो ट्यूशन फीस ही है। तो जब कोरोना महामारी से समस्त देश लॉकडाउन में है, सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, लोगों के सामने खाने कमाने की कमी हो गई है, ऐसे में यदि हम अपने बच्चे की फीस देना चाहते हैं तो स्कूल प्रबंधकों को ये चाहिए कि केवल ट्यूशन के मद में जो फीस दी जा रही हो, इस मद में लिए जाने वाली फीस की ही डिमांड करी जाए। क्योंकि ना तो इस बीच हमारा बच्चा आपके ग्राउंड का यूज कर रहा है, ना ही लाइब्रेरी का यूज कर रहा है, ना ही बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहा है और ना ही स्कूलों की इमारतों में कोई मेंटेनेंस या बिजली बत्ती खर्च हो रही है। इससे जहां एक तरफ अभिभावक गढ़ की जेब पर भारी बोझ नहीं पड़ेगा, वहां स्कूल में भी फीस जा सकती है, एक छोटी फीस, छोटी रकम जा सकती है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया आप इस संबंध में शोध परक लेख लिखें ताकि हमारे सरकार, हमारे प्रबंधक मंडल, हमारे अभिभावक गण की आंख खुले और कहीं ना कहीं हम इससे लाभान्वित भी हों। साहित्य समाज का दर्पण होता है, अतः अगर ऐसा साहित्य रचा जाए जिससे किसी का हक हासिल हो जाए तो मुझे लगता है वो लेख पूरी तरह अपनी चरम स्थिति को प्राप्त कर लेगा, अपने जो गंतव्य, जो उसका मूल उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर लेगा। आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी समस्या है अभिभावक गण के आगे उनकी फीस को, उनके बच्चों को फीस का भुगतान करना। और मैं आपसे अपील करता हूं कि फीस वृद्धि पर अपने विचार, कहानी, लेख जो कि सारगर्भित हो, शोधपरक हो, उसे आप हमें यथासंभव सोमवार तक भेजें। एक बात मित्र मैं आपको और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अब तक हमारे जो ऑनलाइन पाठक की संख्या है वो करीबन 70,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यूट्यूब में हमारे व्यूअर्स की संख्या लगभग 14,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये ऊंचाइयां हमने आपके बल पे हासिल करी है। लेकिन आपसे एक बात और निवेदन करते हैं कि जैसे हमने पहले कहा कि हम अपने सदस्यों के लिए ही प्रशस्ति पत्र की व्यवस्था कर पा रहे हैं, अतः यदि आप हमारे सदस्य हैं और लेख प्रकाशन के बाद आप हमसे प्रशस्ति पत्र की उम्मीद करते हैं, तो आप जब हमें लेख भेजें तो अपना सदस्यता आईडी, मेंबरशिप आईडी जो है वो हमसे पूछ लीजिए। और हर बार हमको, आप जब भी करेस्पॉन्डेंस करें, जब भी हमको ईमेल भेजें, तो अपना सदस्यता संख्या भी साथ में लिख के भेजें। साथ ही आप अपनी फोटो भी हर बार ईमेल पे लगा कर भेजें, क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्ड में ढूंढना एक बार संभव नहीं होता है।
इसी तरीके से मित्रों बहुत सारे लेख, बहुत सारी खबर हमें ऐसी भी प्राप्त होती हैं जिसका शीर्षक नहीं होता है, हमसे त्रुटि होना संभव है क्योंकि आपने किसी और शीर्षक से कहानी या लेख हमको भेजा है, खबर भेजा है, और चूंकि उसमें शीर्षक नहीं मेंशन है तो जो हमारे यहाँ कंप्यूटर पर लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपने हिसाब से उसका शीर्षक बना दिया, जिससे आपकी कहानी, उसके भाव, उसका शीर्षक, समस्त चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अतः हम कोशिश करते हैं कि अपने सदस्यों के साथ त्रुटि रहित कार्य करें, तो ऐसे में हमको भी छोटे से सहयोग आप दें कि अपनी हर बार सदस्यता संख्या हमको बताएं और उचित फोटो शीर्षक के साथ ही अपना लेख भेजें। इसी के साथ आपके लेख के इंतजार में राजीव मिश्रा, स्वच्छ इंडिया से। All right.